चापर गांव से शराब कारोबार मामले में फरार चल रहे आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। रंगरा पुलिस ने गुरुवार को देर शाम छापेमारी कर शराब बिक्री करने के मामले में फरार चल रहे आरोपी इस्माइलपुर निवासी रोशन कुमार को चापर गांव से गिरफ्तार कर लिया है। थानाध्यक्ष महताब खान ने जानकारी देते हुए बताया कि रोशन को पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया है। पुलिस ने रोशन से शराब खरीद फरोख्त करने के मामले में सघनतापूर्वक पूछताछ भी की है। खबर 30 सेकंड के विज्ञापन के बाद प्रारंभ होगा। पानी विवाह भवन 0 mile NH 31 नवगछिया। शादी विवाह सालगिरह रिंग सेरेमनी जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन एवं मीटिंग के लिए जरूर पधारे। 5300 वर्ग मीटर का हॉल ताकि आप अपने परिवार के साथ बैठ कर ले आनंद। ग्लास मिरर वॉल ताकि अंदर से ले बाहर के खूबसूरती का नजारा। पूर्णतया वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। संपर्क सूत्र 9931092632 9534316464 8406949533 नवगछिया का सबसे सस्ता सबसे अच्छा विवाह भवन। रंगरा पुलिस ने एक साथ चलाया मास्क और वाहन जांच अभियान। 4500 रुपये जुर्माने की हुई वसूली। रंगरा पुलिस ने थाना क्षेत्र के विभिन्न जगहों पर सघनतापूर्वक मास्क और वाहन जांच अभियान चलाकर कुल 4500 रुपये जुर्माने की राशि वसूल की है। जानकारी देते हुए रंगरा थाना के थानाध्यक्ष महताब खान ने बताया कि ट्रैफिक कानून का उल्लंघन करने वाले कुल 7 वाहन चालकों से 3500 रुपये और मास्क नहीं पहने 20 लोगों से 1000 रुपये जुर्माने की राशि वसूल की गई है। रवि कुमार रंजन बने MLC प्रतिनिधि। कोसी स्नातक क्षेत्र के विधान परिषद सदस्य डॉक्टर NK यादव ने रंगरा के भवानीपुर निवासी रवि कुमार रंजन को MLC प्रतिनिधि पद पर मनोनीत किया है। डॉक्टर NK यादव ने अपने आवास पर रवि रंजन को मनोनयन पत्र सौंपा है। विधान पार्षद डॉक्टर NK यादव ने रवि रंजन को MLC प्रतिनिधि बनाए जाने की सूचना रंगरा चौक के प्रखंड विकास पदाधिकारी वीरेंद्र कुमार को भी लिखित रूप से दी है। शिक्षा जागरूकता के लिए प्रतियोगिता परीक्षा का किया गया आयोजन। माँ कालिका क्विज सेंटर रंगरा के द्वारा प्रखंड स्तर पर शिक्षा जागरूकता के लिए प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में रंगरा डुमरिया कमलाकुंड ज्ञानीदास टोला तिनटंगा शंकरपुर छोटी अलालपुर राघोपुर आदि ग्राम के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। अव्वल आए 5 छात्रों को माँ कालिका क्विज सेंटर रंगरा द्वारा सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में शशिशंकर शर्मा जयप्रकाश मंडल समेत कई लोग मौजूद थे। आज की खबर में बस इतना ही। धन्यवाद। लगातार अपने क्षेत्र की खबर जानने हैं तो GS न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और वीडियो को शेयर कर कमेंट जरूर करें।